हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइवट टेबल के अंदर आप अपना प्रिंट एरिया किस तरीके से वर्टिकली सेट कर सकते हैं। हमारे पास में कई बार क्या होता है, डाटा हमारा जो होता है वो हॉरिजॉन्टली बहुत आगे तक चला जाता है, जैसे बहुत सारे हमारे हेडर्स होते हैं तो आगे तक चला जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे को प्रिंट आउट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आप इस वाले में देखेंगे इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखिए यहाँ पे खाली सम ऑफ ज्योग्राफी तक ही यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद में हमें शो नहीं हो रहा है, उसके लिए वो नेक्स्ट पेज पे जा चुका है। तो उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपके टोटल और एवरेज वाले जो हेडर्स हैं वो आपके वैल्यूज़ में इंक्लूड है, जिस वजह से आपका ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इन दोनों को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, जिससे कि ये जो प्रिंट एरिया के अंदर में ही आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस टोटल और इस एवरेज को आप यहाँ पे रो लेवल्स में ऐड कर दीजिए। तो आपने देखा इसके अंदर में अब ये जो है टोटल हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, जगजीत का टोटल है 420 और उसकी एवरेज है 70। तो इस कंडीशन को करने के बाद रिजल्ट हमारा प्रीव्यू में हम एक बार देख लेते हैं क्या आता है। ये देखिए अब हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो इस तरीके से आ रहा है। ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंगली, पेज और प्रिंटर के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। तो ये है, ये था आपको पाइवट टेबल में वर्टिकली प्रिंट लेआउट सेट करने का तरीका है। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए subscribe@youtube.com/learnexcelhindi पर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।